आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। दुमका के सहायक पुलिसकर्मियों ने आज अपने बेस कैंप नकटी में काला बिल्ला लगाकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। बताते चले कि सहायक पुलिसकर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर आज से आंदोलन शुरू किया है। आंदोलन के प्रथम चरण में सहायक पुलिसकर्मियों द्वारा आज से 6 सितंबर तक काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आंदोलन के दूसरे चरण में सभी सहायक पुलिसकर्मी 7 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इन सहायक पुलिसकर्मियों की नियुक्ति पिछली रघुवर सरकार के शासनकाल में राज्य के 12 सर्वाधिक उग्रवाद प्रभावित जिले में 10,000 के मानदेय पर किया गया था। नियुक्ति के वक्त सरकार द्वारा कहा गया था कि अगर कर्मियों की सेवा संतोषजनक रही तो उनकी सीधी नियुक्ति आरक्षी पद पर कर दी जाएगी। पिछले अगस्त माह में इन पुलिस कर्मियों का सेवा काल समाप्त हो गया, परंतु सरकार बदलने के बाद वर्तमान सरकार द्वारा इनकी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण सहायक पुलिस कर्मियों को सरकार के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ करना पड़ा। दुमका से आरपी भारत के लिए विनोद त्रिवेदी की रिपोर्ट। हम लोग दुमका सहायक पुलिस जवान हैं। हम लोगों की स्थिति काफ़ी दयनीय है। सरकार जो रघुवर सरकार थी, जिन्होंने हमारा गठन किया था, उनका था नियम कि हम लोग को 3 साल के बाद सरकार सीधी बहाली जिला बल में करेगी, लेकिन आज 3 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन हम लोगों के प्रति सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हम लोगों ने सभी प्रकार की ड्यूटियाँ, जैसे इलेक्शन ड्यूटी, कोरोना ड्यूटी, किसी भी प्रकार की ड्यूटी सरकार हमसे ले रही है, ट्रैफिक ड्यूटी, अन्य प्रकार की सभी ड्यूटियाँ हम लोग अब 24 घंटा अपने जिले में दे रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार का हम लोगों के ऊपर सरकार की कोई ध्यान नहीं है। सरकार सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को मनगढ़ंत बातें सुना रही हैं, बात बुझा रही है, लेकिन किसी प्रकार की कोई ना हम लोगों के प्रति ध्यान आ रहा है, ना विभाग से कुछ हो रहा है। सिर्फ हम लोग एक बंधुआ मजदूर बनकर रह गए। बंधुआ मजदूर जिस प्रकार लेबर को 300 रुपया मिलता है, उसी प्रकार हम लोग भी एक जो है लेबर को लेबर पेमेंट पे जी रहे हैं। हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक कहावत कहा था, जय जवान जय किसान, लेकिन ना आज इस देश में जवान का कुछ हो रहा है, ना इस देश में किसान का कुछ हो रहा है। बस हम लोग अपनी मार्मिक स्थिति में हैं और बहुत ही दयनीय स्थिति में जी रहे हैं। सरकार क्या कर रही है, नहीं कर रही है, किसी प्रकार की कोई जानकारी हम लोग को नहीं मिल पा रही है। अब इसी के कारण हम लोग काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन में हैं। कुछ दिन बाद हम लोग जाकर राजभवन के समीप धरना पे बैठेंगे और उसी से हम सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे। हम लोग दुमका सहायक पुलिस के जवान हैं। हम लोग किस मुद्दा को लेकर आप लोग धरना में आज हैं? हम लोग का मुद्दा है कि हम लोग 10,000 वेतन में ड्यूटी कर रहे हैं। हम लोग का बहाली 2017 में किया गया था, दो वर्ष का अनुबंध था। हम लोग को बोला गया था कि आप लोग का काम संतोषजनक होने पे वरीय पदाधिकारी के द्वारा 1 साल करके बढ़ा दिया जाएगा। तो 3 साल के बाद हम लोग को फिर 1 साल बढ़ा दिया गया, तो हम लोग का ड्यूटी जिला बल की तरह लिया जा रहा है। वैसे हम लोग क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से? हम लोग स्थायीकरण का मांग कर रहे हैं। उस टाइम बोला गया था कि 3 साल के बाद आप लोगों का सीधा नियुक्ति किया जाएगा, जब रघुवर सरकार थे उस टाइम। तो अभी हम लोग ने सीएम से मिलने का बहुत कोशिश किया, जब वो नहीं बने थे सीएम तब मिले थे, तो बोले उस टाइम कि जब हम सरकार बनेंगे तो आप लोगों के बारे में सोचेंगे। तो जब फिर सरकार बनने के बाद मिले तो फिर बोले कि अभी तो नए सरकार बने हैं, थोड़ा रहने दीजिए, इसके बाद सोचेंगे। तो फिर इसके बाद से नहीं मिल पा रहे हैं और हम लोगों का ड्यूटी तो लिया जा रहा है, सब तरह का ड्यूटी कर रहे हैं, कोरोना ड्यूटी हो, छापामारी ड्यूटी हो, ट्रैफिक ड्यूटी हो, इसके बाद कोई भी ऑफिस में हो, थाना में हो, और फिर हम लोगों का 50 जवान देवघर में पदस्थापित हैं, और कोई जरमुंडी में भी हैं, मंदिर ड्यूटी में हैं, तो सब तरह का ड्यूटी हम लोग संभाल रहे हैं। और हम लोग वही 10,000 ही वेतन है, इसके बाद कोई मानदेय हम लोग का नहीं है, कोई भत्ता भी नहीं, यात्रा भत्ता, वर्दी भत्ता कुछ नहीं है, वही 10,000 में ही हम लोग सब अपना भरण पोषण कर रहे हैं और उसी में से हम लोग घर में भी दे रहे हैं।